हाय गाइज, सो ये हमारा फिजिक्स का एपिसोड 2 है जो कि एयर फोर्स, SSR और AA के लिए उन क्वेश्चन को कवर करेगा जो कि इन चैप्टर में से मैक्सिमम आते हैं एग्जाम में। सो आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एंड रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है 2 टाइप का, हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर। यहाँ पे हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे क्योंकि जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है वो ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। तो जो इसका प्रेजेंटेशन होता है वो होता है ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल का। यहाँ पे ये डिस्टेंस होगी रेंज, दैट इज़ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये है ये हाइट, ये होती है हाइट, दैट इज़ द हाइट जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और ये होता है थीटा। यहाँ पे जो यू है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हाइएस्ट पॉइंट है। हाइएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एंड एक्सलेशन परपेंडिकुलर, जो ये एक्सलेशन और ये वेलोसिटी है ये 90 डिग्री पे हैं, मीन्स ये परपेंडिकुलर है आपस में। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इसके डायग्राम को ध्यान से। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले। टी टी होता है यहाँ पे 2u/g sin थीटा। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फार्मूला, 2u/g sin थीटा। ये यू आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा ये एंगल है, और जी जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। और जब इसमें कुछ कंडीशन होती है कि जब T1 = T2, यानी कि जो टाइम है, जो टाइम गैप है या टाइम पीरियड है वो सेम हो जाएगा, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट वो हो जाएगा T = u/g sin थीटा, u/g sin थीटा। उसके बाद अब आता है हमारा हाइट, कि हाइट कैसे निकाले, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट निकालने के लिए हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, जो इसका फॉर्मूला वो होता है u² / 2g sin²θ, u² / 2g sin²θ। ये हाइट निकालते हैं प्रोजेक्टाइल की इस फार्मूला से। जब थीटा 90 डिग्री होगी तो हाइट मैक्सिमम होगी। कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि वहन द हाइट इज मैक्सिमम व्हाट इज द एंगल, तो वो वहाँ पे थीटा एंगल होगा 90 डिग्री, यानी कि h maximum = u² / 2g। जब मैक्सिमम हो तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है u² / 2g। उसके बाद निकालते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज जिसको हम आर से डिनोट करते हैं रेंज को, इसका फार्मूला होता है u² / g sin²θ, u² / g sin²θ इज द फार्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जब थीटा 45 डिग्री होता है तो जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं u² / g। ये हमारी रेंज होती है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद आता है वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। आ जाता है क्वेश्चन की व्हाट इज द वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसका फार्मूला है v = u cos थीटा, दैट इज द वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एंड देन काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल। टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी k से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला आता है ½ mv². यहाँ पे जो k डैश होगा वो होगा ½ m। हमें पता है v = u cos थीटा, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे u cos थीटा होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ½ m u² cos² थीटा। तो जो ये है ये तो हमारा k ही हो गया, ½ m u², तो k cos² थीटा जो कि टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी, काइनेटिक एनर्जी वो होगी k cos² थीटा। ये डायरेक्ट आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। उसके बाद आता है इफ r = nh, ये है तो उसके बाद थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर RnH के इक्वल है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा tan(4/n)। ये होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन r = nh। ये r हमारी रेंज है और h हाइट है। ये पे थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि हो जाएगा tan(4/n)। अगर यहाँ पे 2 है तो आप इसको 2 लिख सकते हैं, तो tan(2) हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद आता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली ओरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट, कि प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर केवल और केवल जो ओरिजेंटल वेलोसिटी होती है, ओरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वो कॉन्स्टेंट होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। उसके बाद फ्रॉम लो टू हाई, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट इज मिनिमम, कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है यानी कि टॉप होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फ्रॉम लो टू हाई वो इंक्रीज करती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट इज मैक्सिमम। यानी कि टॉप के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे मिनिमम होती है वहीं पे
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा फिगर आ जाता है कि यहाँ पे ये 20, ये 40, ये 60 इमेज हमारा जो कि रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है ये। तो इसमें कह दे कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे तीन फिगर है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो ऊपर वाले फिगर है उनके लिए जैसे कि ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल के लिए क्या लिखेंगे आप, 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस 20, मल्टीप्लाई में ये वाई के ऊपर कितनी गई 20 20। और उसके बाद जो नीचे है जो कि नेगेटिव एक्सिस में आ जाएगा, मीन्स जो कि नीचे है उसके लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे। माइनस जैसे कि ये है 20 और यहाँ तक ये है 10, तो 20 मल्टीप्लाई 10 और माइनस जो कि इस जो ये हमारी एक्सिस है, इस एक्सिस से जो नीचे उसके लिए हम नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो -20 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद फिर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए 1/2 मल्टीप्लाई ये है 20 और ये 10, 20 मल्टीप्लाई 10 तो हो गया 200 -200 ये कट गया +100, यानी कि 100 मीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। उसके बाद आ जाए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, जितने भी इन तीनों को हम जोड़ देंगे आपस में, 200 + 200 + 100 ये हो गया 500 मीटर। इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे डायग्राम में निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से नीचे के लिए हम माइनस नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। यहाँ पे ये देख लीजिए, जब वाई और एक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, व्हेन वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसकी एग्जाम्पल है जैसे पी वी, पी और वी में कैसा ग्राफ बनेगा जैसे आ जाए एग्जाम में, तो जैसे पी इज इक्वल टू एम वी होता है हमें पता है, तो पी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया वी, तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट। उसके बाद आ गया जैसे के और वी स्क्वेयर में, यहाँ पे वी नहीं के और वी स्क्वेयर के बीच में ग्राफ पूछा गया है, जैसे के होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, मीन्स जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर हो गया, यानी कि यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने हैं। उसके बाद वी एंड 1/p, वी और पी में नहीं, ये वी एंड 1/p में, जैसे कि हम पता है कि बोल्स ला वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। उसके बाद वैन वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, जब एक्स स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाई के, तो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक ग्राफ, ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। एग्जाम्पल जैसे के और वी में, आपके पास के और वी में है, जैसे हमें पता है के होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर होता है के, तो यहाँ पे के और वी, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, तो मीन्स के और वी में ये स्क्वेयर का रिलेशन हो गया, तो यहाँ पे पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। उसके बाद हमारा ग्राफ होता है जैसे व्हेन वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी कि 1/x के प्रोपोर्शनल है वाई, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जैसे का एग्जाम्पल वी एंड पी, जैसे कि हम पता है बॉयल्स लॉ के अनुसार पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अब यहाँ पे ये देखिए किस चीज़ में पूछा गया है, जैसे यहाँ पे वी एंड पी में पूछा गया था तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और हमारे ऊपर फर्स्ट वाले में पूछा गया था यहाँ पे वी एंड 1/p, तो ये इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। तो इस पहले आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी, और ये तीन तरह के ग्राफ ही मैक्सिमम बनते हैं। उसके बाद आता है कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे, कि इफ़ ए बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो एक्स और टी के अंदर जो ग्राफ हो, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के अंदर जो ग्राफ हो, क्या ऐसा बनेगा। हमें पता है जैसे वी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, यानी कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो जो ग्राफ बनेगा वो होगा स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उसके बाद इफ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, अब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ मूव कर रही है, एक्स टी ग्राफ कैसा होगा, एक्स होता है जैसे एक्सलेशन वाले टर्म में 1/2 a t स्क्वेयर, यानी कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। उसके बाद एरिया अंडर वी एंड टी ग्राफ, जो वी एंड टी ग्राफ होता है उसके अंदर जो एरिया आएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाला एरिया आएगा। एरिया अंडर पी एंड वी, पी एंड वी के अंदर वर्क होता है, एफ एंड एक्स के अंदर भी वर्क होता है, और एरिया अंडर एफ एंड टी ग्राफ, एफ एंड टी ग्राफ के अंदर भी ये इम्पल्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद पूछ ले जैसे कि ग्राफ बिटवीन वी एंड टी, वी एंड टी के अंदर जो ग्राफ हो किस चीज़ का ग्राफ है, तो वो ग्राफ होता है एक्सलेशन का, वेलोसिटी एंड टाइम में, और जो ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम उसके अंदर होता है वेलोसिटी, तो ये होता है हमारा ग्राफ।
इसके बाद हमारा टॉपिक है रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो कोई भी जैसे गन और बुलेट है, बुलेट मान ली, ये बुलेट का मास M1 है, B1 वेलोसिटी है और P1 मोमेंटम, और जो गन है उसका M2 मास, P2 वेलोसिटी एंड P2 मोमेंटम। हमें पता है कि जो मास ऑफ गन है वो मास ऑफ बुलेट से ज़्यादा होता है, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो वेलोसिटी ऑफ गन से ज़्यादा है। यहाँ पे जो P1 होगा वो माइनस ऑफ P2 के इक्वल होएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। इसलिए जैसे पता है कि P1 माइनस P2 के इक्वल है, तो जैसे P होता है MV, क्योंकि एज मोमेंटम होता है हमारा P इज इक्वल टू MV। यहाँ से तो P1 हो गया M1V1 और P2 हो गया माइनस M2V2। तो जो V2 है ये हमारी वेलोसिटी ऑफ गन है, तो ये निकालने में, तो V2 को हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस M1V1 अपॉन M2। ये हमारी रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, या फार्मूला भी आ जाता है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट फार्मूले से, डायरेक्ट जो फार्मूला है इससे आप आंसर निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉइलिंग वो निकालनी है। तो मास ऑफ बुलेट लीजिए, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट से, और उसके अपॉन कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ गन से, और ये माइनस में लेना आपको। ये हो गई रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। उसके बाद एक और जो टॉपिक है हमारा, जो कि मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लोजन ऑफ हैवी बॉडी। जो हैवी बॉडी है उसका एक्सप्लोजन होएगा, तो क्या होगा, तो जैसे ये हैवी बॉडी मान ली कोई भी, में एम मास वी वेलोसिटी पे मोमेंटम, जो कि टूट गई है दो बॉडी में, जिसमें से एक है M1V1P1 और दूसरी M2V2 और P2, जो वी वेलोसिटी है यहाँ पे। जैसे कि पता हमें P है, जो यहाँ पे ये P है, ये P1 प्लस P2 होगा, क्योंकि इसी बॉडी से ये दो बॉडी निकली है। तो P होता है MV और P1 होता है M1V1 और P2 होता है M2V2। तो ये होती है एक्सप्लोजन ऑफ एवी बॉडी। ये डायरेक्ट फार्मूले यहाँ पे एग्जाम में आ जाते हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, ये याद रखिए। ये बेस्ड है ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि P कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू MV। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी, जो कि SSR, EE और एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के लिए थी। तो आप इनको देख सकते हैं टॉपिक से, या पुराने पेपर भी निकाल के देख सकते हैं, तो इनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। थैंक यू।